नमस्कार, बीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। सोन नदी के बहाव में बहा बुजुर्ग की 30 घंटे बाद मिली लाश। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेवती के भौरा टोला घाट सोन नदी में शुक्रवार को अपने मवेशी धोने गया था। ग्राम का एक 65 वर्षीय बुजुर्ग भीमक लाल पिता राम नाम सेंडे पानी के तेज बहाव से बह गया था, जिसकी लाश लगभग 30 घंटे बाद शनिवार की शाम को नदी के बाहर निकाली गई। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 12 बजे भीकमलाल अपने घर के मवेशी धोने सोन नदी भौरा टोला घाट पर गया हुआ था। मवेशी धुलने के दौरान अचानक नदी का बहाव बढ़ गया और भीकमलाल तेज पानी के बहाव में बह गया, जिसे बचाने के काफ़ी प्रयास किए गए, किंतु बारिश के कारण नदी के मटमैले पानी में वह दिखाई नहीं दिया और संभवतः गहरे पानी में डूब गया था, जिसकी तलाश ग्रामीणों द्वारा शनिवार को अगले दिन नदी में ग्रामीणों, स्थानीय गोताखोरों एवं पुलिस द्वारा की गई, जिसकी लाश शनिवार की देर शाम लगभग 30 घंटे बाद नदी में लगभग 100 मीटर दूर मिल पाई। बताया गया है कि शाम होने की वजह से नदी में डूबे बुजुर्ग भीकमलाल की लाश का पोस्टमार्टम रविवार को किडनापुर के अस्पताल में किया जाएगा।